क्रश वाज बिल क्लिंटन एंड ही वाज द यूएस प्रेसिडेंट. ठीक है, तो मैं उनके लिए चाहती भी तो कुछ क्रेजी नहीं कर पाती. एंड या बट देन आई यूज्ड टू लिसन टू हिम और I मतलब I didn't do anything crazy but I remember that he was definitely my first crush because his he is handsome, he was very handsome back then. उस टाइम मतलब ये तो सोशल मीडिया तो होता नहीं था, अभी तो बहुत इजी है कि आपने मैसेज कर दिया, कुछ भी बोलना है प्राइवेटली आपने मैसेज करके बोल दिया. उस टाइम आपको बहुत देर, बहुत दिनों आपको लड़की को देखना पड़ता था. आप देखते थे कि हाँ अच्छा वो, हाँ अच्छा अभी उसकी स्माइल है, अच्छा उसका क्या सोचती है, वो हाँ बोल सकती है, फिर आप नंबर पकड़ाने जाते हो. ये सारी चीजें हमने फिल्म में दिखाई है, तो मेरे लिए बहुत वो ऐसी चीज थी कि वो मैंने अपने टाइम में किया है वो. फॉर ऑल फिल्म रिलेटेड इंटरव्यूज, रिव्यूज एंड कंटेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू पूजा तलवार. यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड ऑन इंस्टाग्राम. लव मीटिंग यू ऑल थ्री ऑफ यू. जब ये सोनम गुप्ता का किस्सा शुरू हुआ था ना 2016 में, जब वो नोट पे आया था सोनम गुप्ता बेवफा है, माय हार्ट वेंट आउट टू दैट गर्ल की अच्छा वो जैसे गाना नहीं था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का. बेचारी है कौन, इसके साथ क्या हुआ होगा. तो सुरभि से पहला सवाल, व्हेन इट केम टू यू, डिड यू थिंक कि ये बेचारा गुप्ता कौन है, इसके साथ क्या हुआ होगा? यस ऑफ कोर्स. और इनफैक्ट जब ये किस्सा शुरू हुआ था तब भी आई रिमेम्बर कि पता है मेरी क्लास में, लाइक आई वाज इन स्कूल, मेरी क्लास में थी, आई स्वेयर देयर वाज दिस सोनम गुप्ता एंड आई कॉल्ड हर आल्सो. आई लाइक, तू तो बहुत फेमस हो गई, बट देन शी इज लाइक कि या बट दैट्स नॉट मी, दैट्स नॉट मी. लाइक यू नेवर नो, बिकॉज जितनी सोनम गुप्ता एग्जिस्ट करती है कोई भी हो सकती है. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ गर्ल्स नेम्ड सोनम गुप्ता मस्ट हैव एंजॉयड इट आल्सो बिकॉज इट वाज अ नेशनल सेंसेशन. बट आउट ऑफ दिस टॉपिक एक फिल्म बनाना, और क्योंकि ये जो मीम था बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा था, तो उस टाइटल को जस्टिफाई करना, आई थिंक इट वॉज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज विच सौरभ टुक. एंड बींग अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म, आई कैन अश्योर यू दैट ही has succeeded with flying colors because we've all done a lot of hard work and the story and all the characters are actually, matlab aisa lagta hai ki agar koi itne bade meme pe film bane to ha exactly wo aisi hi honi chahiye. Waiting for Sonam Gupta to watch the film, the real Sonam Gupta. Yeah, my school friend. And not for Sonam Gupta. Every Sonam Gupta, definitely they, you know, they're going to say thanks to me. It's a beautiful closer. नहीं हो सकता. Yeah, that's true. Trolling करनी हो ऐसे सीखो ना, troll करो, famous कर दो. But before I come to you, Sarav, मैं बोलूँ आज जैसे ही क्या है आपकी पिक्चरों में लड़कियां भाग जाती हैं, या पहले Happy भाग गई, अब Sonam Gupta बेवफा है वो भी भाग गई. नहीं बागी है या नहीं बागी है, चलो ये तो फिल्म में पता चलेगा. बट मैं स्पेशली अगर इसी फिल्म की बात करूं तो मतलब ये मुझे के मतलब हर न्यूज चैनल पे यही चल रहा था उस टाइम पे, ये सोनू गुप्ता है कौन. मतलब उसमें कई बार ये भी हुआ कि कोई बता रही है कि ये सोनू गुप्ता मैं हूँ, मेरी बात कर रहा है, मैंने ऐसी बेवफाई, मतलब वो अपने आप, हाँ उस वो अपने आप में देखने में इतने, उस टाइम पे देखने में इतना फन था कि मतलब वो बोल रहे थे क्या क्या हो रहा है, क्या है, कौन है सोनू गुप्ता. क्योंकि वो इतनी, क्योंकि उसका उसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा था नोटबंदी के साथ कि हाँ ये इसमें कोई सीक्रेट कोड है इसका, उसकी कैलकुलेशन करके दिखा रहे थे कि इतनी डेट को ये आई है, इस डेट को ये नोटबंदी हुई है. मतलब वो इतना फनी किस्सा बन गया था कि पूरा मेरे दिमाग में था. जब मेरे पास ये टाइटल आया तो लाइक मेरे सबसे पहले मैंने सौरभ भाई को बोला कि ये टाइटल बहुत कैची है, स्क्रिप्ट सुनने से पहले. आई थिंक वी शुड ऑल से टू सोनम गुप्ता. मुझे लगता है सोनम गुप्ता शायद एक पहला ऐसा मामला था हिंदुस्तान में जो सोशली इस तरीके से वायरल हुआ था. Absolutely. और वहां से फिर चीजें जो है एक ट्रेंड आया हमारे यहाँ जो यूट्यूब पे वीडियो वायरल करने का, या फिर कुछ और भी चीजें इस तरीके की निकल के आई, कुछ लोगों ने डेलिबरेटली भी की, कुछ नेचुरली और वायरल हुए. तो मुझे मतलब शायद मैं क्योंकि उतना वाबस्ता नहीं रहता हूँ चीजों से, लेकिन जहां तक मुझे थोड़ा सा खबर तो रखता हूँ क्या चल रहा है इधर उधर मेरे इर्द गिर्द, तो मुझे लगता है ये शायद पहला एक ऐसा मुद्दा था जो उस तरीके से हिंदुस्तान में ट्रेंड लाया कि कोई चीज इतनी बड़े लेवल पे वायरल हो सकती है. 2016 में क्या नॉट ओनली रुपए येन पे भी पहुंच गई सोनम गुप्ता का, यू नो इट बिकेम एन इंटरनेशनल थिंग, आल्सो पाउंड पे
किसी ने लिख दिया मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है. सो आई मीन आई वंडर हु शी इज. शी कुड इवन बी अ 70 ईयर ओल्ड. यू वी नेवर नो. बट यू नेवर नो एक्चुअली. एंड वन थिंग आई एम टेलिंग यू पूजा जी कि मतलब इस तरीके के जोक को एक बहुत ही सेंसुअली फिल्म में वेब करना और उसको कहना, वो अपने आप में एक बहुत चैलेंज था. सुनने में मुझे भी थोड़ा सा कभी कभी चीजी सा लगता था, सोनम गुप्ता बेवफा है टाइटल. मतलब क्योंकि अब जब सिनेमा वो देखेंगे तो उतना ही फन भी है, जॉय है, कॉमेडी है, बट बहुत सारे मुद्दे हैं इस फिल्म में. एक शायद हर दूसरे घर की कहानी है, हर घर का कोई किरदार इस कहानी में अपने आप को उस किरदार से रिलेट करेगा. तो मैं मतलब ये कहना चाहूंगा कि ये सिनेमा जो है वो बहुत ही रूट्स से निकल के आई है ये फिल्म, और इसमें आपको बहुत सरप्राइजिंगली कई चीजें ये फिल्म कहेगी और अपनी बात वहां तक पहुंचाएगी. और जब सुरभि और जैसी की बात होती है तो ना देयर फैन क्लब्स गेट वेरी एक्साइटेड. तो आप दोनों से पूछा है, बोथ ऑफ यू पंजाबीज, व्हाट वाज इट लाइक शूटिंग विद ईच अदर? वाज देयर अ सॉलिड पंजाबी कनेक्ट हैपनिंग देयर? हां, आई थिंक दैट्स वेरी ऑर्गेनिक. लाइक आप एंड आई थिंक दैट गोज विद एवरीबॉडी. अ बंगाली मीट्स अ बंगाली, अ पंजाबी मीट्स अ पंजाबी. It just goes with everything. But मुझे I was very excited because मैंने बॉम्बे में किसी पंजाबी के साथ जिसको इतनी अच्छी पंजाबी बोलनी आती हो मैंने काम नहीं किया था. And of course like everybody else I was a fan of Jassi Gill. मुझे इनके गाने of course बहुत पसंद है. And I'll tell you what, हम जब set पे we used to play music. Jassi is a shy person. Okay, he doesn't talk too much. बाकियों से बात करता हो तो पता नहीं मेरे से ज्यादा बात नहीं करते. He's a man of few words. Like if you talk to him, he will answer and otherwise. But he is not talkative as per se. So set पे अगर उनके गाने भी चलाते थे ना, then he used to like look around. कहता यार मेरे गाने ना चलाया करो, मैंने समझ नहीं आती मैं कितने देखा मैं की करा मेरे गाने ना चलाया. So he's a very like you know very shy. Very shy guy. Yeah. Yeah. So but. सेट पे वी स्टार्टेड ऑफ क्योंकि मैं बहुत डेस्परेट थी पंजाबी में बात करने के लिए. तो हमने दो तीन दिन बात की और उसके बाद हमें ये अच्छे से पता था दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर फ्रॉम यूपी एंड वी शुड जस्ट स्टिक टू हिंदी. एंड आई थिंक टिल द एंड वी डिड दैट. बट आई वुड लव टू ऐड कि जैसे हम कहीं बाहर हैं, हम कुछ शूट कर रहे हैं या हम कुछ आपस में बात करना चाहते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हो रहा है गुजर पुचर. जो हम गुजर पुचर करते थे ना वो पंजाबी में करते थे. इफ यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग एंड ऑफ कोर्स अपने आप ही ना हो, आई थिंक इट वाज वेरी ऑर्गेनिक, वो पंजाबी में शुरू हो जाता. Awesome. जैसे एक और कल दोस्तों किसी ने मेरे से पूछा कि आप सुरभि के बारे में जानते थे. मुझे जोया का मेरे घर वालों को पता था क्योंकि मैं मम्मी घर पे सिस्टर्स ने देखा हुआ था वो सीरियल. नागिन का मुझे पता था क्योंकि नागिन का क्या था कि कुछ ना कुछ आता रहता था आगे, तो मुझे ये पता था कि सुरभि ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है. बट हाँ, हम मिले नहीं थे इससे पहले कभी, और मेरे दिमाग में ये भी नहीं था कि सुरभि पंजाब से हैं, मतलब ये मुझे नहीं पता था. बट जब हम मिले उससे मुझे पता, मैनू पता नहीं सीगा मैंने पंजाब तो. जब हमने काम करना शुरू किया तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये जलंधर से हैं. और फिर हमारी बात भी होती, जैसे सुरभि ने बताया कि वैसे तो हम हिंदी में ही बात करते हैं, बट जब हमें कुछ पंजाबी मतलब खुसर पंजाबी जो बोले खुसर बुसर करनी हिंदी सी की चुगलियां करनी होंगी ऐसी मेरी करते होगे ना बात करते थे मेरी लैग पुलिंग करते होगे पंजाबी में ना. नहीं नहीं बहुत होते थे आदि वैसे नहीं. हमारे पास चक्कर क्या था कि सुरभि पंजाब से, पंजाब में बहुत मतलब जब से बॉम्बे मूव हुई है पंजाब में बहुत कम आती हैं तभी अपनी फैमिली पास जलंधर जाती है. तो बहुत चीजें ऐसी थी कि क्या चल रहा है, किस चीज का अच्छा पंजाब में कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब ऐसी चीजें हमारी चलती रहती थी. वैसे सौरभ भाई अगर मैं आपको बताऊं, आप पंजाबी अच्छे से समझने लगे हो अभी, हम आपके बारे में भी पंजाबी में बात नहीं करेंगे, हमें और लैंग्वेज ढूंढनी पड़ेगी इसके लिए. आप पंजाबी समझ
एक वर्ड तो नहीं चूज कर पाऊंगा क्योंकि मैं हर रोज पंजाबी ही तो बोलता हूँ, मतलब मेरे तो सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि मेरी लैंग्वेज में ऐसे हैं कि मैं हर रोज यूज कर रहा हूँ, बट हाँ कोई ऐसे नहीं है। बट अगर कोई आप ये चीज पूछ सकते हो सौरभ पाजी से क्योंकि उन्होंने पंजाबी उतनी सीखी है, तो उन्होंने मुझे बड़ा मजा आता है जब भी मैं और जिसी बहुत देर कई बार फोन पे बात करते हैं तो एक तो वीरे और वीरे की हाल चाल तोड़े तो मुझे इतना आ गया है मुझे और पाजी की हाल चाल तोड़े सत्याकाल और ये हाँ कितने और की चल रहा है तो मैं मतलब कुछ भी अपना अपने तरीके से उसे बोलने की कोशिश करता हूँ, मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत अट्रैक्ट करती है, पता नहीं चलता डांट भी रहे हो या प्यार से बात कर रहे हो, साउंड्स द सेम। सो यू व्हिच इज नाउ आई वांट टू आस्क यू थ्री, सिंस ये पहले प्यार के बारे में है, एवरीवन इन देयर लाइफ दैट फर्स्ट लव होता है ना जिस भी उम्र में हो हैज डन समथिंग स्टूपिड एंड देन वी लुक बैक सेइंग ये क्या किया मैंने, आप लोग कुछ मुझे बता सकते हो कि फर्स्ट क्रश फर्स्ट इंफैचुएशन में सबसे स्टूपिड थिंग की क्या की होगी जो अब लग के अब लगता है कि जो जैसे मिस्टर सोनम गुप्ता ने किया था नोटों पे लिखवा दिया था। आई डोंट नो, आई हैव नॉट डन एनीथिंग स्टूपिड एक्चुअली, मतलब मैं हां माय सी आई विल टेल यू व्हाट माय फर्स्ट क्रश वाज बिल क्लिंटन एंड ही वाज द यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है, तो मैं उनके लिए चाहती भी तो कुछ क्रेजी नहीं कर पाती एंड या बट देन आई यूज्ड टू लिसन टू हिम और आई मतलब आई डिडंट डू एनीथिंग क्रेजी बट आई रिमेम्बर दैट ही वाज डेफिनेटली माय फर्स्ट क्रश बिकॉज़ हिज ही इज हैंडसम, ही वाज वेरी हैंडसम बैक देन, सो या जैसे बोटी नहीं मारेगी बता दो हमें जल्दी से क्या किया? नहीं मैं नाम तो नहीं बट मैं ये बताऊं कि इस फिल्म में जो है ना कि वो बाइक पे बैठा लड़की को देख रहा है और नंबर दे रहा है ये मतलब मेरे टाइम की चीजें हैं, जब मैं जवानी में मैंने अपना बोलते हैं पंजाबी जी के जवानी जी पैर पर रहा सी, जब मैं जवानी में मैंने अपना पैर रखा उसकी उस टाइम मतलब ये तो सोशल मीडिया तो होता नहीं था, अभी तो बहुत इजी है कि आपने मैसेज कर दिया कुछ भी बोलना है प्राइवेटली आपने मैसेज करके बोल दिया, उस टाइम आपको बहुत देर बहुत दिनों आपको लड़की को देखना पड़ता था, आप देखते थे कि हाँ अच्छा वो हाँ अच्छा अभी उसकी स्माइल है अच्छा उसका क्या सोचती है वो हाँ बोल सकती है फिर आप नंबर पकड़ाने जाते हो, ये सारी चीजें हमने फिल्म में दिखाई है तो मेरे लिए बहुत वो ऐसी चीज थी कि वो मैंने अपने टाइम में किया है वो, मतलब जो उस टाइम पे था कि बाइक पे बैठ के ऐसे घूर रहे हैं लड़की को बैठे देख के कब वो देखेगी अच्छा आज नंबर पकड़ाता हूँ कल नंबर पकड़ाता हूँ, मतलब वो चीजें जो फिल्म में हैं जी अभी चित्ते पड़े थे ये देखो अभी मैं यहाँ पे तो नहीं बताऊंगा अगर पड़े होंगे मेरा तो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग देखो नहीं सुरभि अब नहीं करता मेरे पास टाइम ही नहीं होता यार इतना ऑर्गेनिकली दिखाया है दैट जो जस्सी बात कर रहे थे दैट रोमांस दैट ओल्ड स्कूल रोमांस दैट प्योरिटी ऑफ इट हमने इतने अच्छे से दिखाया है और फिल्म शूट करते करते मुझे लगता है हम सबने वो जिया है, we have relived that again, like you know number देना पापा ही देखने कोई देखना ले, so yeah, please stand up, Surbhi will tell you how to tackle this whole issue, but movie is very special in many ways, is also Surekha ji's last film, anything you all want to talk about it, any interaction with her, because for me she's the eternal Dadi Sa. Yes, of course, and she was an epitome of energy. As I mentioned before also that even if she's not shooting, whenever you will meet her, she used to not talk much, but her aura, her energy was so good. You know, the spirit that she used to carry was impeccable. She was always well-dressed, wearing kajal in her eyes or pyar se,
जैसे जस्सी ने बोला भी कि वो बात नहीं करती थी, उनकी आंखों में प्यार झलकता था. सो आई थिंक आई रियली फील वेरी ब्लेस्ड दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद हर. एब्सोल्युटली. जस्सी एंड ऋषभ आप बताओ. सौरभ, सॉरी ऋषभ की बोली कौन है? जी मैं वो आपने वो पहले ही बता दिया कि वो मतलब हम बोलते हैं कि जगत दादी के उनको स्क्रीन पे कोई देखता है तो उनको यही फील आती है कि मेरी दादी है. तो मेरे साथ भी यही था कि मुझे उनको वहां पे सेट पे देख के यही फील आता था कि जैसी मेरी दादी है वैसी है, और वो वैसी ही थी, उतना ही प्यार जैसे उनकी दादी करती है वैसे ही थे. तो उनके साथ काम करके मतलब मैं बहुत लकी फील करता हूँ अपने आप को कि क्योंकि मैं सोच के तो नहीं, मैंने तो सोचा भी नहीं कि मैं फिल्में करूंगा कभी, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मिलूंगा या इनके साथ काम करूंगा. तो ये एक लाइफ टाइम की अचीवमेंट की तरह जुड़ गई है मेरी लाइफ में कि मैंने उनके साथ काम किया. कल को मैं अपने बच्चों को जब वो स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा कि ये इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैंने काम किया, सुरेखा जी उनमें से मुझे लगता है टॉप में होंगी. सोनम गुप्ता, और जब मैं वो स्क्रिप्ट लेके उनके पास गया था तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है इस फिल्म का. आई वॉज वेरी यंग एंड तब मैंने इतना इंडस्ट्री का जो प्रेशर है, जो इस दो साल में मैं और 10 साल बड़ा हो गया हूँ, तब मैं उतना उधर 5 साल और छोटा था. तो उस वे में एक इतने यंग से लड़के पे ट्रस्ट करना और उतना लगाव दिखाना, उसमें उतना बिलीव दिखाना, वो बहुत ही मतलब मैं कहता हूँ मैं शायद बहुत लकी हूँ उस वे में. और मेरी फिल्म में तो उन्होंने मतलब ऐसा हो गया था कि बस तू बता मुझे कहाँ कहाँ चलना है, आई एम रेडी. एंड जब हमने उनको कास्ट किया था तब भी she was not well, बहुत unwell थी वो उस समय भी, आधी बॉडी उनकी पैरालाइज थी और उनको इतना मूव करना इतना आसान नहीं था. उसके बाद उन्हें बॉम्बे से दिल्ली लाना और दिल्ली से फिर 7 hours का बाय रोड मतलब सफर करना, जो उन्होंने किया वो मैं मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि कैसे यार, कुछ मैजिक था वो इंसान. सच में कहते हैं ना कुछ कुछ लोग जो सूफी होते हैं, वो फीलिंग थी मतलब सूफी थी वो जो बातें जो शायरियां जो अंदाज उनका था. तो मुझे कभी कभी जैसे मैंने कभी अपनी मतलब मेरे मैं उनके उस लास्ट वक्त में शायद सबसे क्लोज इंसान रहा हूँ जो उनसे जो जितना प्यार मतलब उस समय में वो जो हमारे बीच हुआ जो रिस्पेक्ट और जिस तरीके से वो मुझे याद करती थी, मैं उनसे मिलने जाता था. मैंने कहीं कुछ कहा नहीं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हुई थी उनके गुजरने के बाद. मैंने इनफैक्ट अपने सोशल मीडिया पे कुछ नहीं लिखा क्योंकि मुझे ये बिलीव ही नहीं हुआ वो चली गई है. और मैं क्या लिखूं उस इंसान की, कितनी बातें लिखूं, कौन सी एक कोई बात भी ऐसी नहीं है जो कुछ शब्दों में कंप्लीट हो जाए उनके बारे में बयां हो जाए. बहुत छोटा समझता था मैं अपने आप को उनके बारे में कुछ कहने के लिए, तो मैं कुछ कभी कह नहीं पाया. एंड थैंक्स गॉड इट हैपेंड. या एंड अब जरा जाते जाते सुरभि एंड जस्सी के फैंस ने क्वेश्चंस भेजे हैं, जरा जल्दी से करते हैं. नीलम ने पूछा है सुरभि कि टीवी पे आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपने अब डेब्यू कर दिया कि टीवी से तो ब्रेकअप तो नहीं होने वाला है? No, see, an actor is an actor, you know, so the medium actually doesn't matter. So, aisa nahi hai, people who are watching me on television, they don't have something else. Of course, they have phones, they have laptops, and they can watch this film on Z5. Kahin kisi se breakup nahi hua hai. Please, aap ye jaan lijiye ki Surbhi bilkul bewafa nahi hai. I don't know what's on. Just fans pooch rahe live session. Ye apne live sessions kam kar diye ki live session kab karoge? मुझे ना पहले बहुत ज्यादा होता था कि मैं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था. अभी क्या हुआ है कि मैं इस लॉकडाउन के बाद मुझे बहुत कम टाइम मिलता था अपनी फैमिली के साथ, और स्पेशली मेरी बेटी और छोटी है जो वो पहले कनाडा थी और लॉकडाउन में उसके पास था, अभी वो मेरे पास यहाँ पे इंडिया आ रखे हैं.
तो मतलब उसमें क्या कि मुझे होता है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम मैं उनको दूं, क्योंकि फिर वो नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे वापस, अभी कनाडा में नेक्स्ट ईयर से उसका स्कूल शुरू हो जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करूँ। तो यही रीजन है, और मुझे ये भी लगता है कि कभी लाइव आऊं तो उस टाइम आऊं जब कोई अनाउंसमेंट करनी है या कुछ कुछ बात करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सोशल मीडिया मुझे लगता है, सोशल मीडिया का मुझे लगता है कि यही कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हो, मतलब मुझे मुझे ये चीज ज्यादा, मैं उसको इस तरीके से ज्यादा यूज करना चाहता हूँ, और यही रीजन है मुझे लगता है। अभी मैं अभी ये ट्रेलर लॉन्च हो गया, इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि फिल्म रिलीज होने से पहले मैं लाइव आऊंगा, और उसके बाद एल्बम आ रही है, मतलब कुछ अनाउंसमेंट करनी हो, कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करनी हो तो मुझे बताएं। बट हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि बीच में मैं जो मेरे फैंस हैं, पहले मैं करता रहता था, उनके साथ बातें भी होती रहती थी, अभी कोशिश करूंगा कि इसके बाद मैं रेगुलर रहूं इसमें। बट ये मुश्किल हो जाता है जब आप फैमिली के साथ सोते हो, तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा टाइम सस्पेंड करूं। सुरभि ज्योति ने आपसे ये पूछा है, यू मेड योर डेब्यू विद दिस, बट कुड यू रिलेट टू सोनम, एंड वाज इट एन इंस्टेंट यस व्हेन सौरभ केम विद द स्क्रिप्ट टू यू? व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन? दैट कुड यू मेड योर डेब्यू विद दिस फिल्म, डिड यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर सेइंग यस और नो, एंड कुड यू रिलेट टू सोनम्स कैरेक्टर, इज शी एनीथिंग लाइक सुरभि? Oh yes, she is a lot like Surbhi. She is a lot like any a human being who has ambitions, who has dreams. Yeah. And there's a lot that I can actually connect with her, like on a various grounds, because she is a very ambitious girl, very simple. She knows that she is beautiful and she knows how to take advantage of that. So, or instant yes, of course. Mr. Mukesh Chhabra first called me for this and I gave the test, and after that I heard the script properly from Saurabh, and yes, there was an instant yes, because it was a beautiful script and it's a beautiful character to play. Bahut sari layers hai isme, and I think that playing such a role is very very satisfactory for any actor. Absolutely. Jaise aapse pucha abhi next album aur single kab aa raha? एल्बम रेडी है और ऑलमोस्ट सब कुछ कर चुका हूँ अभी मैं पूरा, वीडियोस बाकी हैं। और इसकी सबसे स्पेशल चीज इस एल्बम की ये है कि मैंने वो अपने अपने लेबल के लिए रेडी की है, मतलब इसमें कोई ये नहीं है किसी की, पहले क्या रहता है कि कंपनीज को चाहिए होते हैं जैसे गाने आप वैसे रेडी करते हो, अभी मैंने वो म्यूजिक तैयार किया है जो मैं पसंद करता हूँ, जो मैं गाना पसंद करता हूँ, जो मैं सुनना पसंद करता हूँ, वैसी चीजें मैंने तैयार की हैं, और इस एल्बम में वो सब सुनने को मिलेगा। और बहुत जल्दी सितंबर में ही ये मैं एल्बम रिलीज करूंगा, बट अभी सबसे पहले जो मेन चीज है वो है 10 सितंबर को सोनम गुप्ता बेवफा है, क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है ये फिल्म। और इसमें भी हम पिछले 3 सालों से लगे हुए हैं, 2019 में हमने ये शुरू की थी शूट इसका, तो इस पे भी बहुत सारी उम्मीदें टिकी हैं। तो पहले मैं चाहता हूँ कुछ जितने भी मेरे चाहने वाले हैं वो इस फिल्म को जरूर देखें और देख के बताएं कि उनको मेरा ये काम कैसा लगा। एब्सोल्युटली, जाते जाते तीनों मुझे ये बता, वो लड़का मिला जिसने बस ये लिखा था, या उसको आप कुछ कहना चाहोगे? कुछ मुझे जेन्युइनली लगता है, मुझे जेन्युइनली लगता है वो लड़का सौरभ था। That's a good answer. Good answer. You never know, हो सकता है सौरभ ने लिखा हो। एंड देन फिर सौरभ को बुरा लगा और सौरभ ने सोचा अपने कैसे करूं, यू नो, इसको करेक्ट कैसे करूं, तो उसने फिल्म बना दी। यार नोट पे लिख दिया मेरे गुप्ता, ये 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 बस ऐसे टांग खींचती है मेरी बात। आई थिंक इट्स गेटिया, यू नो, गेट बैक एट योर एक्स, सोशल मीडिया क्या नोटों पे छपाओ, बिकॉज़ एवरीवन। नहीं नहीं, मैं मतलब इतना क्रिएटिव नहीं हूं, ये सच में कोई बहुत क्रिएटिव बंदा रहा होगा और बहुत रिपल्सिव रहा होगा। मतलब मैं तो इश्क में ऐसा हूँ, जब मुझे कोई लड़की छोड़ के जाती है तो कहता हूँ अरे वाह चलो अच्छा ठीक है यार, अब आप भी खुश रहो मैं भी खुश रहूँ, तो मुझे तो मतलब को बोले गाना लगा तो बैकग्राउंड स्कोर चलता रहेगा। नहीं यार, एंड बस मेरी भी एक गुजारिश है सबसे, सुरभि के फैन से, जस्सी के फैन से, आपके चैनल के माध्यम से भी, जहां तक ये बात पहुंचे कि ट्रस्ट मी ये फिल्म एक बहुत जरूरी फिल्म है, सबको देखना चाहिए। इसमें फन और मस्ती के साथ बहुत कुछ ऐसा भी है जो बहुत कंटेंट है, लोगों को अपने 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 आप को समझने में कहीं ना कहीं मदद करेगी ये फिल्म। बहुत डिफाइंड कैरेक्टर्स हैं, इवन अगर कोई एक सेकंड के रोल के लिए भी इस फिल्म में आया है
तो वो भी कैरेक्टर आपको कुछ लेके और आया है और देके जाएगा. Saurabh, you have nothing to worry. You have two very, very talented actors. Net, you have nothing to worry. I'm telling you. They also say na the writing and the actors. तो हो गया काम आपका. तो हमको पता चलेगा सोनम गुप्ता बेवफा है क्या नहीं. So anyways, all the very best. Lovely chatting with you. If you've liked this interview, please like, share and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.